अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो आप वो हर दिन करेंगे, हमेशा करेंगे। अक्षय कुमार को भी कुछ इसी तरह से फिल्में बनाने की आदत लग चुकी है। उन्हें ये नहीं पता कि स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्टर कौन है, उनके सामने लीड रोल कौन कर रहा है, कितने दिनों में फिल्म बनेगी, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो तो बस धड़ाधड़ फिल्में बनाए जा रहे हैं। शायद वो कंपटीशन कर रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी कौन फिल्म बना सकता है और किसकी फिल्में सबसे ज़्यादा फ्लॉप हो जाएंगी। दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, दरअसल अक्षय कुमार के फ़ैन हम सभी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, और उनके जो मीम्स होते हैं या फिर उनके जो कॉमेडी है वो सभी के दिलों पर राज करती है। लेकिन अक्षय कुमार काफ़ी ज़्यादा ओवर अपने आप को कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को अगर इतना ज़्यादा आप दिखाएंगे ऑडियंस को तो आपकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। कठपुतली जो उनकी नई फिल्म आई है वो उन्होंने OTT पर रिलीज़ की है, ना कि थिएटर में, और ये एक अच्छा मूव रहा है। लेकिन वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन है, वो फिल्म एक रीमेक होते हुए भी उसमें बहुत से डायलॉग्स जो हैं सो पुराने लगते हैं और उसमें गाने भी डाल दिए गए हैं। बल्कि वो एक क्रिमिनल वाली फिल्म है, एक थ्रिलर फिल्म है, फिर भी उसमें इतने अच्छे अच्छे सीन्स के बीच में गाने डाल दिए गए हैं। तो दोस्तों अक्षय कुमार के बारे में तो हम सभी लोग तारीफ ही करते हैं, लेकिन उनकी फिल्म की जो चूजिंग है वो आजकल अच्छी नहीं हो रही है, या फिर अपने फिल्म में वो इतने मेहनत नहीं कर रहे हैं।